हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे स्टार वॉर्स से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ चेस्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले स्टार वॉर फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि स्टार वॉर्स के 3 पार्ट और कन्फर्म हो चुके हैं, यानी कि फुली ट्रिलॉजी, जिसे ऑफिशियली कन्फर्म करा है रियान जोहानसन ने, जो कि स्टार वॉर्स के ऑलरेडी पहले डायरेक्टर रह चुके हैं। और देन उन्होंने ये खुद ऑफिशियली कन्फर्म करा कि ट्रिलॉजी कन्फर्म है आगे फ्यूचर वाली। तो वाओ, दैट्स कूल। एंड उसी के साथ अगला अपडेट है वंडर गर्ल के ऊपर एक टीवी सीरीज यानी कि लाइव एक्शन, जो कि द CW इसे राइट्स ले ली हैं और देन वो उस पर अब काम करेगा। उसी के साथ नेक्स्ट अपडेट है मार्वल से रिलेटेड, तो ब्लैक विडो 2 या 3 वीक्स के लिए फिर से डिले हो सकती है। डिज्नी और मार्वल की तरफ से कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, रूमर्स आ रहे हैं, और देखते हैं आगे इनके क्या होगा। उसी के साथ वांडा विजन वर्ल्ड की टॉप हाई रेटिंग वाली टीवी सीरीज बन चुकी है, लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और देन आपको कितनी अच्छी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसी के साथ द बॉयज़ का season 3 इस वीक से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और देन धीरे धीरे जो भी सेट से अपडेट आएंगे मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। उसी के साथ DC कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि टीवी सीरीज और मूवी का दोनों का क्रॉसओवर होने वाला है इन फ्यूचर, यानी कि सुसाइड स्क्वाड की मूवी की जो स्पिनऑफ बन रही है और बैटमैन की जो टीवी सीरीज बन रही है वो भी क्रॉसओवर होने वाली है। एरिन को स्पाइडरमैन 3 में कास्ट करा गया डिटेक्टिव रोल के लिए, जी हाँ वो एक डिटेक्टिव कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। उसी के साथ जेवी को एक फीमेल विलेन के लिए कास्ट करा गया है कैप्टन मार्वल 2 में, जी हाँ ऑफिशियल कंफर्म हो गया, पर कौन सा फीमेल कैरेक्टर प्ले करने वाली है विलेन का वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। उसी के साथ डे बटिस्टा ने अपनी शूटिंग फाइनली फिनिश कर ली है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कंफर्म करा है, और देन अब वो नेक्स्ट सेट पर पहुंच चुके हैं। और देन धीरे धीरे जो भी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड अपडेट आएंगे या फिर और भी कास्टिंग या थॉर 4 से रिलेटेड अपडेट आएंगे मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। उसी के साथ एक और न्यू बिहाइंड द सीन इमेजेस मिस मार्वल सेट की, तो बैड बॉयज के डायरेक्टर ने ये कंफर्म करते हुए डाला है और वो इस टाइम अंडरग्राउंड इनसाइड की शूटिंग कर रहे हैं। तो गाइस ये थे वो काफी सारे कमाल के अपडेट। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।